हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सांची स्तूप आते ही हमें असीम शांति का अनुभव होने लगता है। चलिए हमारे पार्ट वन की कंटिन्यूएशन पे पार्ट टू में। जो हम देख रहे हैं मेन स्तूप, इसके ओरिजिनल स्तूप है टेराकोटा ब्रिक अशोक ने तैयार किया 3 BC। वो इसके इनसाइड अंदर साइड है, जो हमको ये आउटसाइड से बाहर से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया। 2nd 100 BC 2200 ईयर्स पहले सुंग डायनेस्टी आ गया। तो सुंगा पीढ़ में जो किंग थे, राजा थे, अग्नि मित्र सुंग, पुष्य मित्र सुंग का बेटा, उसने इसको स्टोन से इसको कवर्ड किया, जो अपन को दिखाई दे रहा है। ऊपर से पलास्तर किया, टॉप पर ट्रिपल अम्ब्रेला लगाया। ऊपर जो रेलिंग बाउंड्री देख रहे हैं वो हरमी का है, और ये दोनों रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किए, इनको वेदिकाएँ कहते हैं। ये 2nd 100 BC का बिफोर क्राइस्ट है। स्तूपा का जो हाइट है वो 16.46 मीटर है। स्तूपा का जो हाइट है 16.46 मीटर है और डायामीटर है 36.60 मीटर। स्तूपा का जितना पलास्तर डैमेज हुआ वो 500 ईयर्स के मध्य में, जब ये फॉरेस्ट में कवर्ड था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 300 BC से लेकर 1280 टाइम पीरियड होता है 1500 ईयर्स, 1500 वर्ष। सांची के अंदर बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म, और 1280 से 1818 1818 500 साल पूरा फॉरेस्ट में चला गया, वीरान हो गया सांची। ये पीरियड है हमारा राजपूत काल, 200 ईयर्स मुगल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। तो 500 फॉरेस्ट में कवर्ड था, मुगल से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर ने, जो ब्रिटिशर थे। टेलर क्या स्तूप को डिस्कवर करने आए? ना जी, 1818 में वो हंटिंग करते यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया जी, ये अपना नॉर्दर्न गेट है, वो वेस्टर्न गेट है। वेस्टर्न से लेके साउथ का पूरा पोर्शन डिग कर दिया, और डिगिंग कर तो इनसाइड अंदर गए, देखा इसमें सेंट है, स्टोन के पीसेस हैं, सबको हटाया, देखा स्मॉल टेराकोटा ब्रिक स्तूप खोल के चला गया। उस पीरियड में वेस्टर्न गेट एंड साउथ गेट, टू गेट डैमेज हुआ। अब आए सर जॉन मार्शल, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, 1912 एंड 1920 8 ईयर स्टे किया सांची। साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर किया, उसमें कुछ प्लेन स्टोनों को यूज किया, वो ओरिजिनल पार्ट्स नहीं, वो रिस्टोर किया गया गेट। जो ओरिजिनल प्लास्टर देख रहे हैं पर ब्लैक कलर का, ये मटेरियल कौन सा यूज किया था 2nd 100 BC में? ये खाने की दालें हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मेथी, इसका जूस निकालेंगे। जूस को निकालने के बाद ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, उसका पाउडर बनाएंगे, उसको सुरखी कहते हैं। दाल का जूस मिक्स करेंगे लाइम चूना, खाने का गुड़, भिंडी का पानी, और बेल जो शिव जी को चढ़ाते हैं हम लोग, महाशिवरात्रि, उसका फ्रूट होता है, गम निकलती है, इनको मिक्स किया और ये प्लास्टर किया गया। सेम मटेरियल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम यूज करती है मॉन्यूमेंट रिपेयरिंग को, सिमेंट का यूज नहीं किया जाता, अदर कोई भी मालूम नहीं। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया। 100 BC 2100 ईयर्स पहले सातवाहन आए। सातवाहना पीरियड में जो किंग थे, रूलर थे, गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण किया। 4 गेट 4 डायरेक्शन, जिनको तोरण कहा जाता है। तोरना मतलब होता है वेलकम गेट, स्वागत दरवाजे। इसलिए गेट का जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, ये साउथ इंडियन स्टाइल है, क्योंकि रूलर आंध्रा का है। गेट पर रेलिंग पर स्टोन को यूज किया गया, ये सेंट स्टोन है, और सेंट पर कार्बिन को बनाना 100 बीसी में कितना डिफिकल्ट काम होना चाहिए। आर्टिस्ट पर डिजाइन नहीं, आर्टिस्ट पर मैप नहीं, आर्टिस्ट को आपने बुद्धा का लाइफ का, जता का स्टोरी, जता का टेल, जातक कथाएं बताई। कितना आर्टिस्ट ने काम किया कार्बिन में, सबका माइंड एक साथ चलना। और ये आर्टिस्ट विदिशा के आइवरी गोल्ड हाथी दंत का कारीगर थे। परंतु इस स्टोरी में आपको कहीं बुद्ध जी का स्टेचू देखने को नहीं मिलेगा। क्यों जी? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे, महायान पीरियड और हीनयान पीरियड। महायान मीन्स होता है जो मूर्ति पूजा करते हैं, स्टेचू लाइक करते हैं, पर हीनयाना मीन्स होता है मूर्ति पूजा नहीं करते थे, स्टेचू का वर्शिप नहीं करते थे। तो गेट कब का बना है हमारा? 100 बीसी का है, 2000 मैंने ओल्ड, जब हमारा स्टेचू वर्शिप नहीं था। स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ 100 AD से, कनिष्का से, 2000 से, और गेट 2000 मैंने ओल्ड है।
बुद्ध को कैसे टेली करें, तो जैसे अपना ओल्ड टेम्पल शिवा का शिवलिंग, शिवलिंग शिव जी का सिंबल होता है, स्टेचू नहीं। बुद्ध को फोर सिंबल, बौद्धिक ट्री जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, बोध गया, पीपल का वृक्ष, अम्ब्रेला रोल फैमिली अम्ब्रेला होता है, स्तूपा तो इसके बुद्धा का बॉडी का पार्ट, सिंबलाइज बुद्धा को देखेंगे अपन उसको टेली करेंगे। यही गेटों का कार्बिन की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया, ओनली गेट की कार्बिन की बेच पर। ऐसा क्यों? इतना ओल्ड कार्बिन ऑल ओवर इंडिया में हमें किसी प्लेस पर देखने को नहीं मिलता, केवल सांची का गेट को छोड़कर। यही गेटों की कार्बिन की बेच पर आरबीआई ने कुछ न्यू करेंसी हमारा चलाया, 200 पर सांची को प्रिंट किया गया। क्यों लिया सांची प्रिंट? क्योंकि 1818 डिस्कवर है मालूमेंट, 2018 अपना एंड हुआ, उस टाइम 200 ईयर्स हुआ इसको डिस्कवर, इसलिए 200 पर सांची को प्रिंट किया गया है आरबीआई के द्वारा। जो न्यू जनरेशन हमारी आ रही है वो हमारी हिस्ट्री को देख सके, वो समझ सके। तो न्यू करेंसी पर आधार प्लेस को प्रिंट किए गए हैं। स्टार्टिंग हम लेते हैं हम नॉर्दर्न गेट से, इस टाइम हम लोग नॉर्दर्न गेट पर खड़े हुए हैं, तो स्टार्टिंग नॉर्दर्न गेट से देखेंगे बिग एलिफेंट, बिग एलिफेंट जिनके दांतों के होल्स हैं, यहाँ ओरिजिनल आइवरी से, ओरिजिनल किसने निकाला कब निकाला कोई एविडेंस नहीं, इसका ओरिजिनल या ओरिजिनल हाथी दांत लगा हुआ था। एलिफेंट को कंट्रोल करते उसको किस नेम से जानते हैं अपन? महाबत। तो देखेंगे हम लोग यहाँ महाबत फीमेल है, लेडीज है, स्त्री है, और इस साइड देखेंगे हम लोग जेंट्स है। 100 ईयर्स पहले लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार, आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सा न्यू बात है? 2000 ने पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है, इसलिए बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। अब अपन बुद्धा का लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोरी को। फर्स्ट पैनल नीचे बौद्धिक ट्री, टॉप पर बौद्धिक ट्री, ट्री ट्री में बुद्ध, बुद्ध का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों कैसे पड़ा? सिद्धार्थ के बर्थ जन्म के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो चुका था, यहाँ प्रॉब्लम हो गया फादर शुद्धोधन को, 7 डेज का बेबी है, इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? मदर गया, हमारा घर में बच्चा हमारा दादी, हमारा नानी, हमारा मौसी, हमारा बुआ, तो सबसे अच्छा बच्चे का देखभाल प्लेस में कौन कर सकता है, उस टाइम भी और प्रेजेंट टाइम भी? तो सबसे अच्छा देखभाल करती है मदर की सिस्टर मौसी, मौसी होती है माँ जैसी, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी, गौतमी नेम प्लस करेंगे गौतम, और जिसको नॉलेज होता है एलाइटमेंट होता है उसको कहते हैं बुद्ध, हो गया गौतम बुद्ध, वही कल्चर ट्रेन हो गया कि आज स्टूडेंट की मार्कशीट मदर का नाम ऐड कर दिया गया। हमारे टाइम मदर का नेम नहीं था क्योंकि मुगल डायनेस्टी में दब चुका था। कुंती का बेटा कर्ण है, असुता का लाल कृष्णा, भाभी मदर है, आज मदर को टॉप पर लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि स्टूडेंट को फादर का सरनेम का जरूरत नहीं, मदर का सरनेम यूज कर सकते हो, आज मदर को टॉप पर लेके आ गए। सेकंड पैनल चेरिट बनाए, रथ बनाए, रथ पर देखेंगे मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, ओरिजिनल सिद्धार्थ जो मैन है, रथ को चलाने वाला इनका सारथी है, छंदक जैसे महाभारत में अर्जुन का श्री कृष्णा। सिद्धार्थ को ओनली 1 डेज केवल 1 दिन प्लेस से बाहर घूमने का मौका मिला, क्यों? क्योंकि इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी या तो किंग या साधु बनेगा, इसी डर से फादर शुद्धोधन इनको प्लेस से कभी भी आउटसाइड नहीं जाने देते, सारा एजुकेशन इनको प्लेस में दे दिया, स्मॉल एज में मैरिज किया, 29 की एज में बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर भी सिद्धार्थ को प्लेस से बाहर नहीं जाने दिया। कहते हैं गोट यहाँ लिखता है ईश्वर वो घटना होके रहेगी। 30 वर्ष ओनली 1 डेज टाउन विजिट का मौका मिला, सिद्धार्थ ने राज का भ्रमण किया, कई मैन को देखा, 4 मैन कामन देखा था, ये 4 मैन घोड़े के हॉर्स के ऊपर, 1 2 3 4 फर्स्ट को देखेंगे हैंड में हाथ में कमंडल को पकड़े साधु सन्यासी, सेकेंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन, थर्ड को देखेंगे सिर्फ बीमार व्यक्ति, लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी या मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या, सारथी कहता मनुष्य की लाइफ में ऐसा चेंज होता है, सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग ट्री ट्री में बुद्ध कपिल वस्तु,
कपिल वस्तु नेपाल, कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग को सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये कान लगा के बातों को सुन रहा है, बुद्धा का टीचिंग नहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर गॉसिपिंग। तो बैड वेंचर तो हमारे समाज में पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है और आगे भी रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। परंतु ये लोग कौन हैं? ये VIP लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। ऐसा क्यों? क्यों हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हम लोग क्या करते हैं, सोफे पिलो लगाते बैठने के लिए। देखो सबके पिलो लगाए, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे जी, इसका बैलेंस ये है, देखो इसका बैलेंस ये है, पूरा पिलो यहाँ से लेके यहाँ तक दबा हुआ है, उठा हुआ पोर्शन है, इसका बैलेंस ये गया, पूरा पिलो दबा उठा हुआ है, ये टर्न करके बातें सुन गद्दी उठ गया। ऐसा मटेरियल हमारे यहाँ पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है। तो हम आर्टिस्ट ने हमको क्या समझाने का कोशिश किया, ये समझाने का कोशिश किया कि हमारे अतिथि का स्वागत सत्कार वेलकम हम पहले भी इसी कल्चर में करते थे और प्रेजेंट टाइम इसी कल्चर में करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा ईश्वर होता है।